साढ़े डोगरें च इक बड़ी परानी क्हावत ऐ कि अस डोगरे आं आखने आं शाने कन्नै, असें जित्ती दियां न जंगां घमसाने कन्नै। ते में ते अज्ज एह् आखंग कि असें लिखी दियां न डोगरी पर कताबां बड़े आन ते बान ते शाने कन्नै। एह् गल्ल में की आखी ऐ कि अज्ज डोगरा इतिहास दी ओह् हस्ती साढ़े कन्नै बैठी दी ऐ जिन्हें के अपने पूरे जीवन की डोगरा इतिहास पर निशावर करी ओड़िया। डोगरा इतिहास की निक्की कोला निक्की चीज़ और बड़ी कोला बड़ी चीज़ किसी किस्म की भी वह धरोहर ही, चाहे वह लोक साहित्य ही, लोक संस्कृति ही, भाषा विज्ञान हा, धर्म ते परंपरा हिया, इतिहास के हा साड़ा, इतिहासिक धरोहर के हिया साड़िया, साढ़े पानिए का संरक्षण के हा, मतलब ये जिन्या भी साड़ी डोगरे दे डोगरे दियां जिन्या साड़िया इतिहासिक जिहड़ियां चीज़ां हियां उनके सारे पर एक सैक्शन है किताबां लिखियां और साड़ी डोगरा संस्कृति की जिंदा रखने का एक बीड़ा चुके दा। पद्म श्री अवार्डिड श्री शिव निर्मोही और इन्हें नाँ बिच भी एक निर्मोही है कि इन्हें बिना किसी मोह ममता दे बिना किसी मोह माया दे इन्हें अपने नाँ कन्नै भी निर्मोही जोड़ उड़िया। सारे कोला पहले अस इन्हें इयै पुछगे कि इंदे नां कन्नै निर्मोही कियां जुड़िया, उहदे बाद इंदे जीवन की जिहड़ी शुरुआत हुई जिहड़ी किताबां लिखने वाली डोगरा संस्कृति की डुग्गर संस्कृति की जिंदा रखने वाली वो इन्हें कुद्धरा इन्हें प्रेरणा थोई। रौहने वाले कटरा थमां कोई 6 किलोमीटर दूर ग्रां पौंदा पैंथल, उत्थां दे मूलतान निवासी ने उद्धरे दे रौहने वाले, उस ग्रां विचा उठिए कियां इन्हें इन्नी जद्दोजहद की अपनी डोगरा संस्कृति की बचाने वास्तै। सारा संक्षेप में अस गल करगे, कुसै परिचय दे मोहताज नहीं हैन। ये साढ़े कन्नै अज्ज मौजूद न श्री शिव निर्मोही और प्रणाम है तुसें शिव जी। सर सारे कोला पहला सवाल ते मेरा इयै होगे तुंदे नां कन्नै शिव निर्मोही जिहड़ा लगे दा एह कियां लग्या, सरनेम निर्मोही कियां पिया तुंदा? जी हाँ, पहले तो मैं ये दसूँ कि मेरे पिता जी ने मेरे सूत्रे उपर जिहड़ा मेरा नामकरण किया वह किया शिवदत्त। उंदा यह आस्था ही, मेरिया 6 भैणां हियां, उंदे घर कोई लड़का ना हा, उंदे गुरु हे निम्बारक संत, उन्हें उंदी साधना कीती ते 1 महीना उन्हें रुद्राभिषेक करवाया उंदे कोला, ते सौन महीना ते हाड़ महीने मेरा जन्म होया 1937 विच। जिल्लै मेरा जन्म होया गुरु महाराज ने मेरा नाम रखा शिवदत्त, अर्थात शिवें दा दित्ते दा। जिल्लै मैं बड़ा होया ते मैं कुछ साहित्य पढ़िया, उहदे की होंदा हा कि बड़े लोग जिहड़े हे वह अपने नाँ कन्नै उपनाम भी जोड़दे हे, ते मैं भी नाँ जोड़ना शुरू करी दिता ते लिखना शुरू करी दिता शिवदत्त उपाध्याय। उपाध्याय साड़ी जाति ही। अच्छा। ते इस कन्नै किता मेरियां पहलियां जिहड़ियां 4 किताबां जिहड़ियां मैं बच्चें लई लिखियां वह शिवदत्त उपाध्याय दे नाँ कन्नै हियां। मैं रियासी हाँ, ते रियासी जिहड़ा मेरा पुस्तक विक्रेता हा वह मेरे कोल आया ते वह मी आखन लगा मैं शिवदत्त उपाध्याय कन्नै मिलना। वह मेरे कोल बैठा, मैं आखिया जी मैं शिवदत्त उपाध्याय हैं। वह आखना बुढ़िया बुढ़े कन्नै चागियां नहीं करदियां, तू मुड़ा खुड़ा है, शिवदत्त उपाध्याय कोई 40-45 बरें दा कोई विद्वान बड़ा आदमी होना चाहिए, तू तो जागत पूत है, तेरे नाम सुनिए इन्हें लगता है कि तू शिवदत्त उपाध्याय। तू मैं आख्या नहीं मियाँ है, फिर आखना तू अपना नाम बदलो। मैं उदे आखने उपर राधा कृष्ण आनंद दे आखने उपर अपना नाम बदली है, ते कन्नै कन्नै मैं कविता लिखना भी शुरू कीती दियां हियां। जिन्हें भी कवि वह केह करदे हे कि अपने नाम कन्नै उपनाम रखदे हे, ते मैं केह कीता कि अपना नाम जिहड़ा निर्मोही रखी ओड़िया। उहदे बाद कीता एक युग हा जो उल्लै मैं कविता भी लिखदा हा निर्मोही दे नाम कन्नै, वह कविता जिहड़ियां मेरियां प्रगतिवादी विचारधारा कन्नै जुड़ी दियां, जियां किसकी धरती किसका धन कौन अधिकारी किसका श्रम कौन अधिकारी जिसका श्रम शमकों का कौन करता शोषण क्या शोषक है धनी वर्गन, या एक विषय हो एक ध्वजा, इस तरह दी मैं कविता वगैरह लिखदा। और दूए हा जन्म तो मेरा पैंथल होया, 7वीं धोड़ी मैं पैंथल पढ़िया। उहदे बाद ऐसी परिस्थितियां बनिया कि साढ़े परिवार की पंजाब जाना पिया, मैं मैट्रिक ते प्रभाकर जिहड़ी है फिरोजपुर दा कीती। अच्छा। मैं जिल्लै मंदिर दिखे किताबां पढ़ियां ते मेरे मन च आया कि की नहीं आऊं केह करां कि अपने डुग्गर प्रदेश जिहड़े मंदिर न उंदी आऊं खोज करां
में कीता कि थैले चुक्कियै ते जिन्ने मंदर हे इत्थों दा लेइयै करी तुस पुंछ कोला लेइयै ते में पाउडर दे संसारी नाले धोड़ी इक इक मंदर की खोज की उन्हें जू कन्नै जेहड़ा ना में विभाजित किया ते मेरी किताब छपी किताब का नाम आई गया डुग्गर के मंदर इदे इदा में वर्गीकरण किया कि प्राग मुस्लिम काल दे केड़े मंदर बने मुसलमानों कोला पहले केड़े हे मुसलमानों के पीरियड दे च केड़े बने सामंत युग दे च केड़े बने डोगरा काल दे च केड़े बने उहदे के बने इस तरीके इदा में एक तौर पर विज्ञानिक ढंग कन्नै इदा में अनुसंधान किया मंदिरों पर जिल्लै में किताब लिखी उदा बाद की होया कि मिगी आख्या गया कि तू इत्थे आ चंडी इत्थे राजस्थान आ ते में जिल्लै राजस्थान पुज्जी आ ते राजस्थान जाइए उन्हें मिगी आख्या कि उन्हें मिगी किले दस्से राजस्थान दे किले यूनिवर्सिटी वाले किले दस्से मिगी लगन लगा कि ये जेह्ड़े किले न ये ते डुग्गर दे च भी बड़े न ते किले आमें किलें पर काम करा राजस्थान का परतोई आया तो मैं थैला चुकिया तो लगी पिया प्हाड़ें फिरना किले उपर किले तुप्पन लगी पिया तो मिगी 169 किले लब्भे ते किताब में लिखी ओड़ी डुग्गर के दुर्ग फिर उहदे बाद की होया कि मैं गया ताईं वाले पासे अजंता ते अलोरा साइड बेटा भी उठे हा उत्थे मैं जिहड़ियां बड़ी बड़ी गुफा दिखियां तो वह जिहड़ियां गुफा मिगी लगन लगा किश गुफा इहदियां ते जम्मू च भी हैं जिहड़ियां आदमी ने भी बनाई दियां लम्मिया लम्मिया गुफा न कुछ मिगी परमंडल दे च गुफा लभियां ते मैं केह् कीता कि गुफा जिहड़ियां हियां इंदे पर काम शुरू करी दित्ता ते मिगी गुफे उप्पर गुफा लब्भन लगी पईआं जिहड़ियां आदमी बनाई दियां दुनिया कीती दियां अजंता अलोरा दा आने बाद मैं कीता कि किताब लिखी ओड़ी डुग्गर के गुफा मंदर इस किताब की बड़ी चर्चा हुई सचमुच असें तो डुग्गर की जातियों पर कोई काम गै नहीं कीते दा असें यह भी नहीं पता है किड़ियों पुरानी जातियां इत्थे केड़े लोग रौंदे और ए, ओ, नाग कुत्थों आए कदों आए उनका के हा नदियाले कदों आए जा गैन कदों आए ये जी पुरानी जातियां हियां तो इंदे उपर बड़ा जरूरी हा कि काम किया जा भी इत्थे अनुसूचित जातियां भी आई जनजातियां भी आईया में कीता कि उंदे कोला प्रेरित होइयै डुग्गर दी जातियों पर काम शुरू करी दिता ते पहली किताब जिहड़ी मेरी आई उहदा शीर्षक हा डुग्गर की जातियां इहदे उपर में कई ओह बनाए चैप्टर बनाए ते चैप्टर बनाइए ते में कीता कि इहदे उपर जिन्नियां भी डुग्गर दियां जातियां इत्थे आईया उंदा में वर्गीकरण करियै किताब छाप ओड़ी जल संरक्षण उपर तुसें कोई कम्म गै नहीं कीता इहदे उपर भी बड़ा जरूरी है कि आखिर जम्मू च डुग्गर दे च नदियां किन्नियां ते सारे कोला पहली किताब जिहड़ी ही ओह में लिखी डुग्गर की नदियां इस किताब कन्नै केह होया कि एक साढ़ा एक भूगोलिक परिसीमा बनी कि साढ़िया कुछ कुछ नदियां कुछ कुछ बगदियां इंदे कंडै केड़े केड़े शहर बसे इंदा इतिहास क्या इहदे बाद मी लगन लगा नदियां ते जिन्हें झीलें चा निकलियां उंदा इहदे च ते विस्तार कन्नै वर्णन नहीं है वह तो बड़िया झीलां न पैंह झीलां न ते कीने उंदा वर्णन किया जा फिर मैं कीता कि झीलें आपूं भी मैं गेदा हा बासकुंडे भी गेदा कई झीलां मैं दिखी दियां फिर मैं किताब कड्ढी ओहदा नाम मैं रखिया डुग्गर के सर जिसलै मैं डुग्गर दे सर किताब लिखी उहदे बाद फिर मी लगन लगा कि सर ते मैं लिखी ओड़ी लेकिन साढ़े पासे ते तलाब भी बड़े न फिर मैं कीता कि किताब जिहड़ी है ओह कड्ढी उहदा मैं नां रखिया डुग्गर के तलाब हुण जिहड़ी मैं किताब लिखा करना उहदा नां है डुग्गर की बोलियां अच्छा उहदे बाद डुग्गर दे खूह किन्ने न अच्छा इस तरीके कन्नै जिहड़ा मेरा क्रम जिहड़ा है ना वह चला करदा एक चीज़ जिहड़ी है जिहड़ी वह रही दी है वह है कि डुग्गर का भूगोल जिहड़ा है इत्थे दी जिहड़ी धारां न पहाड़ां न खानां न हैं इहदा अजें अस जिक्र नहीं करी सके ये तो अजें मैं कुल 35 किताबां लिखियां मी लगा दा 100 किताब होर भी लिखोआ तां भी अस पूरे डुग्गर की अभिव्यक्ति नहीं करी सकदे मेरे इस कम्में गी दिक्खियै अकैडमी ऑफ आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर ने मेरे उपर एक किताब लिखवाई किताब का शीर्षक जिहड़ा हा वह हा मोनोग्राफ प्रोफेसर शिव नरमोही ये प्रकाश प्रेमी ने लिखी दी है और जम्मू एंड कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर ने प्रकाशित की इत्थों के डुग्गर के महान संत हे स्वामी नित्यानंद होर महाराजा प्रताप सिंह देव राजगुरु भी आए तो मिगी लगन लगा एडे वड्डे संत की प्रकाश के चानना राष्ट्र पराना बड़ा जरूरी है तो मैं उनके पर किताब भी लिखी धर्म और संस्कृति के खेत्र वह नाँ हाँ स्वामी नित्यानंद उहदे कन्नै कि जन जागृति आनने ये जिहड़े
पैंथल इक महात्मा रेह् निम्बारक संप्रदाय दे जगन्नाथ दास हे। इन्हें सारें कोला पैह्ले मिगी शिक्षा दित्ती, यानी कि मेरे पैह्ले शिक्षक जेह्ड़े न ओह् बाबा जगन्नाथ होर हे, ते में इंदे उप्पर कताब लिखी। ए निम्बारक संप्रदाय दे ते में मथुरा बिंद्रावन जित्थे ये संप्रदाय ऐ उत्थे में गया। फ्ही मिगी एह् लगन लगा कि इत्थे केह् ऐ कि बड़ियां समाधियां, बड़े लोग शहीद होए दे, राजे महाराजे राणियां, और उंदियां इत्थे थार थार समाधियां बनी दियां, ते उंदे उप्पर कोई कताब नहीं है। में केह् कीता, के पी कताब लिखी डुग्गर की इतिहासिक समाधियां। एह्दे च राजे महाराजे जिन्ने भी ऐहे जेह्ड़े वीर गति गी प्राप्त होए, जिंदे स्मारक बने, उंदे उप्पर मेरी कताब ही जिहदा नां हा डुग्गर की इतिहासिक समाधियां। फ्ही में कीता कि सारे डुग्गर दे जिला फिरिया, निक्के बड्डे राजें दे बड़े महल हे, ते में उ'नें मैह्लें गी उप्पर भी इक कताब लिखी जिहदा नां हा डुग्गर के राजमहल। एह्दे च डोगरा राजें दे भी आहे, बंदालता राजें दे भी आहे, चनैनी राजें दे भी आहे, जेह्ड़े पालवंशी राजे उंदे मैल भी आहे, रजौरी दे मैल भी, पुंछ दे मैल भी, कि उल्लै साढ़ी जेह्ड़ी भवन निर्माण कला जेह्ड़ी ओह् उस स्थिति च ही। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, थोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शको, एह् इक कताब है जिसी कि प्रोफेसर शिव निर्मोही होरें लिखिया। एह् सिर्फ इक कताब नहीं है, ये साढ़े डोगरें की इतिहास है। ये है डुग्गर के नगर। डुग्गर के नगर का मतलब यह है कि साढ़े डुग्गर प्रदेश के जिन्ने भी निक्के बड़े जिन्ने भी शहर बसे दे न, ये उंदे पर लिखी दी है। दिखने दे तुसें निक्की जी किताब लब्भा दी होनी है, पर इसी किताब की जेल्लै इन्हें लिखना शुरू किया होग, वो थैला पाइए उन्हें शहरें में इन्हें ये गए होने, उन्हें नगरें इन्हें दिखा होना, कितना टाइम लग गया होगा इसी, कम से कम भी इसी किताब की लिखने इन्हें साल एक लग गया होना। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जेडे कि इन्हें किताबें के बारे में जानते भी नहीं होने हैं, और अपने आप की वो डोगरे आखते। साड़ी हथ जोड़िए इयै बेनती है कि अगर अपनी धरोहर की बचाना, अपने डोगरा समाज की बचाना, तो यह जो किताबा पढ़निया चाहिए, अपनी संस्कृति की दिखना चाहिए, उसी पछाड़ना चाहिए कि साढ़े आस्तै कौन किन्ना काम करा दा, किस स्हाबै दा काम करा दा, और जिंदी जागदी मिसाल साढ़े कन्नै बैठे दे बजुर्ग साढ़े प्रोफेसर शिव निर्मोही होर, जिन्हें कि अपना उपनाम गै निर्मोही रखुड़िया, बिना किसी लोभ लालच दे, बिना किसी ओह्दे डुग्गर प्रदेश आस्तै अपनी पूरी जिंदगी इन्हें दौड़ी, और कताबां इन्हें लिखी है, अज्ज इन्हें पद्म श्री अवार्ड थोया इन्हें। तो दोबारा अस हाजर होगे तुंदे अग्गे इ'यै जेही कुसी इक शख्सियत गी लेइयै। ओल्ले धोड़ी जुड़े रवो साढ़े कन्नै। में आं सुशील शर्मा, जम्मू परिवर्तन थमां।